यूपी से जहां योगी सरकार ने 59 लोगों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, तो आपको बता दें इसमें सुरेश राणा, संगीत सोम की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। वहीं जफर फारूकी की बात की जाए तो उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। नरेश अग्रवाल की बात करें तो वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है, सुरेश राणा की सुरक्षा जेड प्लस कर दी गई है और संगीत सोम की सुरक्षा वाई से बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई। वहीं मंत्री नंद गोपाल नंदी की सुरक्षा जेड श्रेणी की गई है, वसीम रिजवी, जफर फारूकी को वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा दी गई है और इकबाल अंसारी की बात करें, इकबाल अंसारी वेदांति की सुरक्षा भी बरकरार है। तो अयोध्या में मध्यस्थता कमेटी की सुरक्षा वापस और 10 और लोगों को कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या पर फैसला आने के बाद जिस तरह से हालात फिलहाल सामान्य दिख रहे हैं, उस पर और भी चौकन्ना अपने आप को बरतते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है। 59 लोगों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है, जिसमें सुरेश राणा, संगीत सोम, नरेश अग्रवाल और इसके साथ ही कई और नाम भी शामिल है, जिसमें जफर फारूकी, उनकी भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। नरेश अग्रवाल को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो आपको बता दें कोर्ट की तरफ से आदेश भी थे, कुछ लोगों को यहां पर चिन्हित किया गया था और उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने की बात की गई थी और इसी के मद्देनजर फिलहाल 59 लोगों की सुरक्षा को यहां पर योगी सरकार ने बढ़ा दिया है।